subscribe to my Goldie Videography channel. Press to the bell icon for new update. फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोल्डी सैमुअल। मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ करिश्मा ZMR वर्जन 2 के बारे में। और काफी अच्छी बाइक है और काफी माइलेज बाइक है, माइलेज के बारे में काफी अच्छी बाइक है मेरे हिसाब से। तो मैं यूज करता हूँ करिश्मा ZMR, काफी अच्छी माइलेज देती है, कम से कम 45 तो कैसे भी देती है बाइक, एवरेज 45 तो 100% देना है 45 और आपके ऊपर है 100 टू 60 या 70 इसके बीच में आप चलाओगे काफी अच्छी एवरेज देती है, कभी कभी 50-55 भी देती है एवरेज। तो एवरेज के मामले में काफी अच्छी है, फुल फेयरिंग बाइक में इतनी एवरेज वाली बाइक यही है होगा मेरे हिसाब से, अच्छी एवरेज देती है करिश्मा ZMR। हाँ, बस थोड़ा कमी महसूस होती है एक वाइड टायर जो इसमें नहीं है, पीछे टायर दिया है 120 दिया है, वाइड टायर की वजह से थोड़ा काफी लुक की वजह से थोड़ा मार खाता है, ऐसा फील होता है कि और थोड़ा ब्रॉड टायर होना चाहिए था, जैसे कि FZ में है, जिक्सर में है, अगर ऐसा कुछ टायर होता तो काफी मजा आता था। तो इट्स ओके, बाकी फुल फेयरिंग बाइक है। और एक चीज इसमें कमी बोल सकते हैं, एक मोनोशॉक अपसर मिसिंग है इसमें, मोनोशॉक अपसर होता तो काफी अच्छा होता था, वो एक मिसिंग है। और बाकी सबसे ऑयल कूलिंग दिया हुआ है 225 cc, वही इंजन है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, BHP 20 BHP किया है और ये क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्शन और ऑयल कूलिंग है, और मेरे हिसाब से लिक्विड कूलिंग भी देना चाहिए था, तो इसमें नहीं है, शायद नेक्स्ट वर्जन में शायद आ सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो मैं तो काफी एंजॉय कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा वाइब्रेशन जो हाई स्पीड में थोड़ा वाइब्रेशन है पर ठीक है, लेकिन कंपेयर करो तो पल्सर 220 और ZMR वर्जन 2 तो काफी पिकअप या पावर परफॉर्मेंस में सेम लगता है। और दूसरी बात कैसा है ये बाइक, कैसे है 0 to 70 तक थोड़ा वाइब्रेशन लगता है गाड़ी, तो आफ्टर 80-90 के बाद बाइक एकदम स्मूथ हो जाता है, एकदम स्मूथ, तो उस टाइम में वाइब्रेशन फील नहीं होता, आपको वाइब्रेशन फील 50-60-70 में ऐसा लगता है कि गाड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रहा है, क्या है इस गाड़ी में, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो ऐसा बॉडी वाइब्रेशन होता है। उसके बाद 60-70-80 के बाद तो गाड़ी ऐसे फ्री हो जाती है, एकदम मजा आता है चलाने। और टॉप स्पीड हम, मेरे फ्रेंड ने इसको टॉप स्पीड किया है 145, तो काफी अच्छा है। और मेरे सबसे फुल फेयरिंग में एवरेज वाली बाइक चाहिए आपको तो आप इसको चॉइस कर सकते हैं, बाकी मार्केट में काफी सारा बाइक है इससे भी अच्छा, तो ये प्राइसिंग के हिसाब से काफी बेस्ट है, लाइव एवरेज भी दिखाता है इसमें और वो फेक नहीं है और एकदम परफेक्ट लाइव एवरेज दिखाता है बाइक पे। और दूसरी बात क्या है, टाइमर दिया है, टाइमिंग है, लाइव एवरेज है, डिपर है और हेडलाइट का पावर तो काफी अच्छा है, ड्यूअल हेडलाइट है, आप उसको ड्यूअल कर सकते हो स्विच को, ड्यूअल हेडलाइट। और रात में मैं देखा हूँ, मैं पुणे वगैरह जाता हूँ लॉन्ग टूर में, तो उसका हेडलाइट पावर काफी अच्छा है, लुक लाइक 220 के जैसे ही है, तो काफी अच्छा है। और ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा है, फ्रंट ब्रेक, बैक ब्रेक, इस पर डबल डिस्क ब्रेक है, आगे भी पीछे भी,
काफी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम भी है, और क्या कहूँ, और सिटिंग पोजीशन भी काफी अच्छा है, स्पोर्टी फील होता है, सिटिंग पोजीशन में काफी स्पोर्टी फील होता है, तो ठीक है, अच्छा है, और लुक भी थोड़ा स्पोर्टी लुक है। EBR 1150 करके एक बाइक है, उसका सेम कॉपी किया हुआ है, तो काफी ठीक है। फर्स्ट वर्जन से तो काफी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है, थोड़ा लुक भी अच्छा है, और पिलियन सीट भी अच्छा है, जरा अच्छा ठीक है, कंफर्टेबल है, बाकी R15 से तो कंफर्टेबल है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है बाइक। मैं तो राइड कर रहा हूँ, 3 साल से राइड कर रहा हूँ, कुछ इश्यू नहीं आया, कहीं फ्यूल पंप पे भी कोई इश्यू नहीं आया, बस इतने इसमें इतना मेंटेन करना है, तो पेट्रोल का मेंटेन करना है, कम से कम हाफ टैंक रखेंगे तो अच्छा रहेगा फ्यूल इंजेक्शन, तो बाकी सबसे काफी ओके बाइक है। और एक कमी है इसमें, इसमें 6 गियर नहीं है, इसमें सिर्फ 5 है, आजकल के सब बाइक में 6 गियर आ गए, इसमें सिर्फ 5 गियर है, तो एक कमी महसूस होती है, लेकिन इट्स ओके, चलेगा। और इस बाइक को काफी मैंने कस्टम मॉडिफाई किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें हीरो का लोगो है, नीचे बैली पे हीरो का लोगो है, काफी रेड स्टिकरिंग किया हुआ है, और पीछे का जो मडगार्ड जो है काफी रेड अमाल में थोड़ा लंबा है पीछे से, तो उसको मैंने थोड़ा एडजस्ट करके अंदर किया है, तो उससे लुक थोड़ा चेंजेस है, ये मेरे लिए, तो मेरे लिए मैंने बनाया हुआ स्पेशल एडिशन है, तो काफी अच्छा है, अच्छा लुक किया है मैंने, थोड़ा बहुत चेंजेस किया अपने अपने हिसाब से, तो काफी ठीक है। तो आपको बेस्ट एवरेज और फुल फेयरिंग में, एवरेज और बेस्ट फुल फेयरिंग में बेस्ट एवरेज बाइक आपको चाहिए, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। बाकी वाइड टायर की बात है, वाइड टायर नहीं है, बस ये कमी है इस बाइक पे। शुक्रिया दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, थैंक यू दोस्तों। Subscribe to my Goldie Videography channel. Press to the bell icon for new update.